अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने अंदाज में बीजेपी के तमाम हमलों का जवाब दिया। पिछले 11 वर्षों में मोदी और मोदी के गुजरात की निंदा कठोर कड़े गंभीर शब्दों में विभिन्न लोगों ने की है। किसी के विचार कुछ हो, किसी के विचार कुछ हो, क्या वो सभी कांग्रेस के एजेंट बन जाते? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अरुण जेटली पर निशाना साधने के लिए उनके गुजरात से राज्यसभा सांसद होने का मुद्दा उठाया है, इस तर्क के साथ कि अरुण जेटली मोदी का बचाव कर उनका एहसान उतार रहे हैं। जस्टिस काजू हैज रेज द इश्यूज, द डेवलपमेंटल इश्यूज ऑफ गुजरात। इज इट बिकॉज ही ओज हिज राज्यसभा सीट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट मिस्टर अरुण जेटली फील्स दैट ही शुड डिफेंड मिस्टर नरेंद्र मोदी? काटजू के बचाव में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ये नौबत आई क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जस्टिस काटजू ने 15 फरवरी को द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा था, जिसमें मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने लोगों को जर्मनी के इतिहास से सीख लेने की सलाह दी थी। जो लोग ये कहते हैं कि 2002 में गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में मुस्लिमों का कत्ल हुआ, उन्हें जर्मनी में नवंबर 1938 में हुए वाकये को याद रखना चाहिए। तब जर्मनी में सभी यहूदी लोगों पर हमला हुआ था। नाजी सरकार ने दावा किया था कि एक यहूदी युवक ने पेरिस में जर्मन राजनयिक की जो हत्या की थी, उसी की प्रतिक्रिया में यहूदियों पर हमला हुआ। लेकिन सच तो ये है कि नाजी सरकार ने साजिश के तहत लोगों की भावनाओं को भड़काया और यहूदियों पर हमले करवाए। काटजू के इसी लेख के बाद अरुण जेटली ने उनसे इस्तीफा मांगते हुए उनके बारे में लिखा। जस्टिस काटजू की अपील पूरी तरह राजनीतिक है और वो किसी कांग्रेसी से ज्यादा कांग्रेसी दिख रहे हैं। अरुण जेटली साहब ने बिल्कुल बकवास किया है, बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात कही है। अरुण जेटली हैज डिमांडेड माय रेजिग्नेशन, आई डिमांड मिस्टर अरुण जेटलीज रेजिग्नेशन। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी आज उनके बचाव में आई है, उससे उन दोनों का की जो साठगांठ है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। और इसलिए अरुण जेटली जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि श्री काटजू को तत्काल इस्तीफा अपने पद से देना चाहिए, वो इस पद पर रहने के काबिल नहीं। बीजेपी मांग कर रही है कि जस्टिस काटजू प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, लेकिन देश के मशहूर कानूनविद फली एस नरीमन ने इस विवाद के शुरू होने से पहले ही जस्टिस काटजू को भेजे ईमेल में उनकी तारीफ करते हुए लिखा है। मैं आपको फोन पर पहले ही बता चुका हूँ कि द हिंदू में छपे आपके लेख से हम कितने खुश हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ये एक शानदार लेख है। ऐसा लेख वही शख्स लिख सकता है जो मानवाधिकारों के समर्थन का सिर्फ दिखावा नहीं करता, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में उसे जीता है। वही जानकारों का मानना है कि सरकारी खजाने से वेतन लेने वाला शख्स इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। इस तरह की अपील किसी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 सेक्शन है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका जो चेयरमैन होगा वो एक ऑफिसर होगा और वो ऑफिसर वेतन भोगी होगा, उसको तनख्वाह दी जाएगी। अगर सरकारी खजाने की तनख्वाह आप लेते हैं तो आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। सबके अलग अलग मत हैं। काटजू बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, कांग्रेस अपने तरीके से काटजू का बचाव कर रही है और इन सब के बीच जस्टिस काटजू विवाद का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। किसी के लिए काटजू ब्रिलियंट है तो किसी के लिए बोल्ड, किसी के लिए बेस्ट है तो किसी के लिए स्वतंत्र विचार रखने वाले एक आम इंसान। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं है जस्टिस मार्कंडेय काटजू की पहचान। मुझे लगता है कि उनको सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। काटजू साहब जो है ये बहुत लिबरल सेकुलर आदमी है, उनकी अपनी विचारधारा है और वो हमेशा उस इन्हीं ने अपनी विचारधारा को आगे प्रमोट भी किया है। जस्टिस काटजू बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे,
1967 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा में जस्टिस कारजू ने LLB के मेरिट लिस्ट में टॉप किया था और उसके बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। MIT यूनिवर्सिटी ने इन्हें लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि दी है। इतना ही नहीं, जस्टिस कारजू दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और लखनऊ की राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मानद प्रोफेसर हैं। मार्कंडे कारजू के जस्टिस बनने तक के सफर में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी खासा योगदान रहा है। मार्कंडे कारजू के पिता SN कारजू इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। इनके दादा डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू देश के जाने माने वकील रह चुके हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, इनके दादा KN कारजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राज्यपाल की कमान भी संभाल चुके हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनके दादा और भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे इस देश के, और वो कैलाश नाथ कारजू जी जो कि पहले नेहरू जी की पहली कैबिनेट में थे, उससे पहले भी थे, फिर चीफ मिनिस्टर भी रहे मध्य प्रदेश के पहले, और उनका बड़ा योगदान है। वो बहुत कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे। फिर इनके पिता शिवनाथ कारजू साहब वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे और उससे पहले वो भी फ्रीडम फाइटर थे। साल 1991 में कारजू को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। कारजू भारत के 3 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट। साल 2006 में जस्टिस कारजू को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जब वकील थे तो लोगों की मदद करना उनका काम था। जब वो यहाँ जज हो गए तो उसके बाद उनके ऐसे फैसले देते थे, वो इतनी मेहनत करते थे फैसला देने में कि वो सब के सब जो है बिल्कुल चर्चा के विषय हो जाते। कोई भी जज इतना बोल्ड नहीं हो पाता था जो जज के अंदर की बुराई भी बोल सके। उन्होंने साहस किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जजेस हमारे किस सीमा तक गलत हो जाते हैं और किस सीमा तक उनको सही रहना चाहिए। जस्टिस कारजू का गुस्सा बयानों में ही नहीं दिखता, उनके गुस्से का शिकार वो लोग भी हुए हैं जो जस्टिस कारजू से वकालत के गुर सीखते रहे। कुछ वकीलों को तो यहाँ तक कह देते थे कि जाओ पकौड़ी बेचो, जाओ तेल बेचो, पर इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो उनसे नाराज होके करते थे। वो एक तरीके की गुरु की डांट होती थी कि सुधरो, बिना फाइल का अध्ययन किए कोर्ट में चले आए हो। तो जो जज उनसे डांट, जज साहब से जो डांट वकील सुनता था, धीरे धीरे वो कोर्ट में जब आता था तो पूरी तैयारी करके आता था। 20 साल तक भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा बने रहने के बाद 19 सितंबर 2011 को कारजू रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। लेकिन बतौर जज वो कई ऐसी मिसाल पेश कर गए जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। चर्चा में हमेशा रहे, अपने जजमेंट्स को लेकर भी रहे हैं। जब इलाहाबाद में जज थे, नए नए आए थे, उस समय भी उन्होंने एक बड़ा मेजर जजमेंट दिया था आरक्षण को लेकर, तो चर्चा में रहना उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है। कारजू के कोर्टरूम को भारत का सबसे तेज कोर्टरूम माना गया। उन्होंने एक हफ्ते के भीतर 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा भी किया था। देखिए, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है और वो चाहते हैं चेंज आए, और एक उनकी जो विचारधारा है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, उसके तहत वो चाहते हैं कि भारत में चेंज आए, भारत तरक्की करे और रूढ़िवादी जो 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 सोच है उससे बाहर निकले और एक सेकुलर लिबरल सेटअप बनाना, जैसा कि नेहरू चाहते थे, उस तरह का वो सेटअप चाहते हैं। ममता बनर्जी तानाशाह है, राजेश खन्ना जिंदा है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए? 90% भारतीय बेवकूफ हैं। ये वो बयान है जो किसी के भी कानों में पड़े तो उसके कान खड़े हो जाएं। बयान नेता भी देते हैं और अभिनेता भी, बयान आप भी देते होंगे, लेकिन जिस तरह के बयान जस्टिस मार्कंडे कारजू देते हैं वैसे कोई नहीं देता। शायद यही वजह है कि कारजू के बयान विवाद खड़ा करने में देर नहीं करते। कारजू के कई बयानों ने सुर्खियां बटोरी हैं। वो जब जज थे तब भी उनकी टिप्पणियां मीडिया में जगह बनाती थी और अब जब वो प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तब भी वो अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं।
जस्टिस कारजू ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, करीब 90% भारतीय बेवकूफ हैं और उन्हें असामाजिक तत्व धर्म के नाम पर आसानी से आपस में लड़ा सकते हैं। कारजू के इस बयान पर काफी बवाल मचा। बवाल ही नहीं मचा बल्कि लखनऊ में तान्या ठाकुर और उसके भाई आदित्य ठाकुर ने कारजू को कानूनी नोटिस भेजा था और कहा था कि अपने बयान को लेकर वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि बाद में कारजू ने अपने इस बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा था, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने भावनाओं को आहत करने के लिए यह बयान नहीं दिया, लेकिन समाज में व्याप्त पिछड़ेपन के बारे में लोगों को सचेत करना चाहता हूँ। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय कारजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तानाशाह तक कह डाला था। पश्चिम बंगाल में व्यंग्यात्मक टिप्पणियों वाले 4 कार्टून को वेबसाइट पर डालने वाले प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल में जस्टिस कारजू ने कहा था कि ममता बनर्जी को कुशल प्रशासक बनना चाहिए, अब वो विपक्ष में नहीं है और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। जो वो सोचते हैं वो बोलते हैं, मेरा कहना यह कि वो जो सोचते हैं वो बोलते हैं, वो डिप्लोमेसी से बहुत ज़्यादा काम नहीं लेते, जैसे दूसरे लोग होते हैं अपने विचार डिस्कस नहीं करते पब्लिकली। कारजू साहब में ये बात नहीं, कारजू साहब जो सोचते हैं वो फौरन उस पर बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है कि उनका पर्सनल स्टाइल है और उस पर डिबेट होती है, फॉर में भी लोग बोलते हैं खिलाफ में भी बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कही है जो देश के खिलाफ हो। करीब साल भर पहले बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान कारजू ने मीडिया की आज़ादी को लेकर बयान दिया जो अब तक गरमाया हुआ है। भरी सभा में उन्होंने एक जानकारी का हवाला देते हुए ये कहकर खलबली मचा दी थी कि बिहार में प्रेस की आज़ादी पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। किसी को हिम्मत ही नहीं है सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ या सरकारी अधिकारी के खिलाफ कुछ देखने की हिम्मत ही नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है और देखिए किसी सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए। कारजू के इस बयान के बाद सवाल उठे कि क्या बिहार में मीडिया पर सेंसरशिप है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 3 सदस्यों की एक जांच समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बिहार सरकार विज्ञापन के बल पर मीडिया को नियंत्रित कर रही है। वैसे मीडिया को लेकर कारजू कई बार बयान दे चुके हैं जो सुर्खियां बनते रहे हैं। कुछ महीने पहले कारजू ने टीवी चैनलों पर ये कहते हुए निशाना साधा था, टीवी चैनल फिल्मी सितारों, क्रिकेट और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी खबरों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं और अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की खुदकुशी जैसे मुद्दों को तरजीह नहीं देते। ऐसे ही कारजू ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली गैंगरेप पर देश के गुस्से पर सवाल उठा दिए थे।